के निकालना पड़ा ये सारे से हैं। और बस का नीचे बस एचआरटीसी बस इतना बड़ा बस है उससे इतना सा पास मिला इतना। और गाड़ियों का तो नामो निशान नहीं था, गाड़ियाँ तो मिले ही नहीं थी। वेलकम बैक टू मनमोजी सैम। और आज का व्लॉग हमारे लिए बहुत ही खास है। ये चितकुल राइड के व्लॉग्स आपको बहुत ही सारे एपिसोड्स में देखने को मिलेगा, बिकॉज क्योंकि ये राइड बहुत ही स्पेशल थी हमारे लिए और हम नहीं चाहते कि आप कोई भी सीन मिस करो। तो जब मैं एडिट करने बैठा तो बहुत अच्छे अच्छे सीन आ रहे थे जैसा आप देख सकते हो। और ये इतने ये लगा लो एक दो दिन पहले लैंडस्लाइड हुई थी यहाँ पे और हम अब इससे गुजर रहे थे, तो मैंने सोचा ये सारे सब चीज़ें जो एक्सपीरियंस हमने किया है वो आपको भी करवाएं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कट नहीं किया तो मोस्टली सब चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ मैं। गाइस ये वाला व्यू भी आपने बहुत बार देखा होगा, तो हम यहाँ भी पहुँच चुके हैं। तो इस जगह पे राइड करना कोई सपने से कम नहीं है, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें देखी थी अपने किसी व्लॉगर के व्लॉग्स में जो कि कटे हुए पत्थरों के बीच में से रोड निकाल कर बनाया गया है। तो बहुत ही ज़्यादा फन था, मज़ा था, और जैसे ही इस सीन से निकले थे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा लगा देता हूँ। तो गाइस ये अमेजिंग व्यू कैप्चर करने के लिए हम लोग ड्रोन शॉट का उपयोग करेंगे, ड्रोन का, और ये लास्ट ड्रोन शॉट होगा चितकुल राइड का। उसके बाद चार्ज की जरूरत पड़ेगी इसको, अदरवाइज सारा खत्म हो गया। 10-10, 20-20% पड़ा है, फिर वो उड़ जाता कहीं से भी। तो वहाँ सांगला भी मिल जाए, सांगला में चार्ज कर लेंगे, सांगला से पीछे है गाँव से। हाँ हाँ चार्ज कर लेंगे, इतना तो है। मैं सेफ्टी के लिए मैं जल्दी चेंज कर रहा हूँ ना, कि इसमें 10-15 मिनट लग जाएंगे। नदी में गए और ना ही नहाए तो नदी की बेइज्जती हो जाती है। अरे नदी में ना नहाते नहीं ना कोई। अच्छा अरे साइड में कपड़ पड़ने ना। हाँ साइड में तो अपना मग बुक उठा के नहा सकते हो, हमने जाने नहीं देते ना वहाँ के लोग। हाँ वो होम स्टे वगैरह है। गाइस ये देखिए देखिए गाइज यहाँ पे हम फोटो शूट और ड्रोन के लिए रुके थे। और ये अपने नेगी साहब, ये तो आप जानते हो इसका वीडियोग्राफी बिल्कुल बेकार है। अब हम यहाँ से आगे हम क्योंकि ये मानता हूँ कि मैं मेरा दिल्ली का नहीं है, साल में एक बार आता हूँ और वो भैया ढंग से नहीं बता रहे। फिर भी ये देखो ये वाली लोकेशन आपने अक्सर वीडियोज में देखी होगी, ये आगे माउंटेन बॉय। और ये देखो यहाँ से व्यू देखो गाइज मस्त। तो हम
अब हम रुके हैं, ये कौन सी जगह? बावन नगर। और यहाँ आप करेंगे कुछ खाना पीना? हम चले कुछ नहीं है, ये तहसील भी है। अब जा रहे हैं लंच करने के लिए। बहुत बार ये अंदर वाला वो 2500 होगा ग्राम है, कहां पर आपको दो पड़े? 1850। आप ये वाला कितने से कितने का देंगे? पिज्जा। हम कुछ खाने के लिए रुके हैं और मेरे साथ व्यू देखो, देखो व्यू गाइस, चेक दिस व्यू। और खाते हैं फिर मिलते हैं। और जो कुछ खिला सकते हो खिला दो। हैंड वॉश के लिए करना तो पड़ेगा। थोड़ा मुंह दुख सच में। मंगा क्या रखा है? मोमोज और चाउमीन। चाउमीन मिक्स होगा उसमें। हम आप आज यहाँ की ट्रेडिशनल डिश ट्राई करेंगे, थुप्पा, जिसमें मोमोज और चाउमीन विद ग्रेवी सब कुछ मिक्स होएगा। क्या बोलना? सुना है मैं, इन्होंने कहा कि यहाँ सबसे बेस्ट होता है। और मैंने बता, मैंने पूछ लिया बंदे से, आप तो आते रहते हो, मुझे तो नजारा लेने दो। पर बंदे ने रिप्लाई में क्या दिया? मैंने सुना है। साजन भाई ऐसे मत करो। अरे ये कैप लगा, पकड़ो। तो हमारा आ चुका अभी थुप्पा मिक्स। क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगेगा आपको थुप्पा? खाते बता रहे हैं, खाते क्या मैंने इसमें करना पड़ गया भाई साहब। मोमोज अलग से मिल जाएंगे? आप करना क्या बोल रहे हैं? अभी तो खा लेने हो पहले। तो अब साजन भाई बताएंगे इसको कैसे बनाना, क्या क्या करना है। ये क्या है बताओ तो सही, क्या है? सिरका। अच्छा ये सिरका, ये सिरका डाल रहे हैं। मिक्स मंगवाया हमने, चौमिन है, वेज मोमोज, ये देखिए हो गया भाई। ये रहा चौमिन, ये थुप्पा बोलते हैं। कैसा लग रहा भाई? हमारा डिश है भाई, अब वर्ल्ड नंबर का डिश है, बिनोर का फेवरेट डिश है। मजेदार। नाइस। तो अपना लंच हो गया, लंच में हमने खाए मिक्स नॉन वेज थुपका, और अब हम चल रहे सीधा चिटकुल की तरफ। और हमारी बाइक्स रेडी हो चुकी है, और ये देखो क्या ही नज़ारा है इधर। और फटाफट चलते हैं अब, क्योंकि पिछले 2-3 घंटों में हमने सिर्फ 30 किलोमीटर कवर किया रुक रुक के, बस बुरा हाल है। ऊपर देखो
वाला सिर्फ रह गया है 18 किलोमीटर। 10 मिनट रुक गए हैं। तो ये रहा यहाँ का ब्रिज।